आइए माइक लीजिए, छूना नहीं बहन, आप नजदीक आ सकते हैं, यहाँ आ जाओ। कहाँ से आई हैं? बीना से। ओ, यहाँ क्या कर रही हो? आपके दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के लिए? देखो एक बात बता दें, भले ही आपका पर्चा ना बने, भले ही आपकी अर्जी ना लगे, निराश नहीं होना है, ना भागना है, ना मन में विचार करना है कि हमारी अर्जी नहीं लगी। हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे, नियम शुरू कर देना, लहसुन प्याज बंद कर देना, उसी से तुम्हारा भला हो जाएगा। पहली बार आई हैं? जी गुरुजी। बोलो क्या बात है बहन? पापा मम्मी की तबीयत खराब रहती है, घर में अशांति, और भैया की शादी हुई तब से बहुत परेशान। भैया की शादी हुई। नजदीक आ जाओ आप, थोड़ा और बहन नजदीक आओ। और कुछ पूछेंगे? घर में पूरा घर बिखर गया, समझ रहे हैं मां साहब, पर्चा पढ़ते ही जा रही। पूरा घर बिखर गया, भाभी विचित्र है, भाई की बुद्धि भी ठीक नहीं रहती, माता पिता बीमार रहते, भाई क्रोध करता, मरने मारने की धमकी देता, गलत मार्ग में पड़ गया है, जिस कारण से आहत होकर के ऐसी अर्जी लेकर आप दरबार में आए हैं। इसीलिए आई हैं। भाई सुधरेगा, कृपा होएगी, उसका उच्चाटन हटेगा। आपके मकान पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, कभी कभी सवारी भी बनती है, शरीर का कंपन भी बनता है, माता जी को गंदे स्वप्न भी दिखाई देते हैं। अभी दो बेर बंदेज करवा लिया, घर का उच्चाटन का बंदेज करवा लिया, हवन करवा लिया, उससे आराम नहीं लगा। एक तांत्रिक राजकुमार ने भी गंदी हरकत की, उसकी विद्या भी काम नहीं की। तंत्र कटेगा, कृपा होगी, भाई सुधरेगा, आशीर्वाद। माइक से बोलो, क्या ये बात सही? बिल्कुल सही है गुरुजी। धाम की पेशी करनी है जी गुरुजी। बोलो बागेश्वर वाला जी की जय, सन्यासी बाबा की जय। आगे आप पर भी कृपा हो, भूत बाधा कट जाए, धाम की पेशी करो। आपकी बुद्धि शांत रहे, और बुद्धि शांत के साथ नौकरी योग की जो आप अर्जी लेकर आई हैं, माइक क्लियर हो, उसमें प्राइवेट योग बन रहा है, तैयारी आपकी वर्तमान में शून्य है, उसे तेज कीजिए। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद बहन। जी खुश बागेश्वर बालाजी की जय।